तो यहाँ पे लिखा है आई लव झारसुगुड़ा। मैंने नहीं देखा था बट आज देख रही हूँ। और ये हमारे नेशनल फादर देखिए। और इनका जो चश्मा था वो निकाल दिए क्योंकि यहाँ के जो बदमाश बच्चे हैं प्लस टू के और ले गए हैं। और यहाँ पे कुछ ये भी था, गेट भी था बट उसको भी निकाल दिए क्योंकि वहाँ पे बेड के ऊपर, गेट के ऊपर, छोटा सा गेट के ऊपर बैठ के खेल रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद मैं अभी हॉस्टल में शूट कर रही हूँ वीडियो क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग डेज मैं आई हूँ। करीबन डेढ़ महीने के बाद हम कॉलेज में आए, मैं आई हूँ। मेरे दोस्त सब तो 7 तारीख से आ गए थे बट मुझे आने का ही नहीं आने का ही रीज़न था कि मम्मी जी का थोड़ा सा तो उनका तबीयत तो ख़राब रहता है, आप सभी को पता है। अभी भी ठीक नहीं है बट इतना दिन रह पाऊँगी है ना, तो बट आ गई हूँ क्योंकि फॉर्म फिलअप भी करना है आज। तो दोस्तों, आज मैं सुबह सुबह उठ गई थी 5 बजे के आसपास और थोड़ा सा स्टडी की मैंने। और घर पे तो मैं 8 बजे उठती हूँ बट यहाँ पे मैं जल्दी से उठ गई, पंचुअल हो गई हूँ। तो 5 बजे उठ गई और उसके बाद फिर मैं गई थी मॉर्निंग वॉक के लिए 5:30 के आसपास। उसके बाद फिर नहा धोवा के अभी तो पूरा फुल रेडी हूँ। देखिए दोस्तों, आज सुबह सुबह नहा धोवा लिया मैंने, तो अभी मेरा कुछ भूख लग रहा है। अभी थोड़ा सा खा लेती हूँ बिस्किट वगैरह, उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए स्टडी करूँगी, देन जाएंगे आज फॉर्म फिलअप के लिए रेडी हो जाएंगे। और आज हमारे लिए ब्रेकफास्ट में कुछ स्पेशल बनेगा तो आप उसको, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। फर्स्ट ब्रेकफास्ट आने के कुछ गए हैं, बेबी गए हैं उसके लिए कुछ बनाने के लिए, तो बनाने के बाद आप सभी को दिखाऊँगी आज क्या क्या होगा हमारे ब्रेकफास्ट में। तो चलते हैं फिर, मैं अभी थोड़ा सा स्टडी कर लेती हूँ, कुछ स्नैक्स वनैक्स खा लेती हूँ क्योंकि नहाने के बाद अगर कुछ नहीं खाते तो भूख भी लगता है ना दोस्तों। तो अभी मैं जल्दी से कुछ खा लेती हूँ, खाली पेट रहना भी अच्छा नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, आज हमारे प्लस टू के बच्चे क्या बनाए हैं नाश्ते में, आप सभी चलिए दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इनका बासी भात है, कल इन्होंने रखा था चावल और उसमें थोड़ा सा जो पानी में निकलता है चावल पानी उसको मिक्स करके बनाए हैं चावल। और ये हेडवा मिक्सचर एंड है कल का भुजिया, आलू बीन्स भुजिया। तो उनका क्लास अभी 9 बजे है, तभी यहाँ पे बैठेंगे और खाएंगे। देखिए चारों मील की एक ही बर्तन में खा रहे, कितना प्यार। खाओ खाओ अच्छे से, सॉरी सॉरी, हम भी खाएंगे। फ्रेंड्स, बेबी बनाने गए थे टमाटर और ये हम भी खाने वाले हैं आज। कल रात को इसको रखे थे, हम आपको दिखाती हूँ। बेड साइड से बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है, बेबी का हाथों का तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ना बेबी। तो ये है हमारा टमाटर का, देखिए। और ये कल का जो हमारा भुजिया था वो, और ये बासी भात। तो यही है आज का हमारा ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह मैं उठ के गई थी ना मॉर्निंग वॉक के लिए, उसके बाद बहुत जोरों का भूख लगा था इसीलिए मैं आगे बिस्किट और कुछ मुर्गू वगैरह खा लिया था। तो उतने में तो नहीं होगा, तो अभी हम उसको खाएंगे और कॉलेज जाने से पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा हिस्सा का ये देखिए, ये देखिए मेरा हिस्सा का मुझे मिल चुका है। और इधर अभी बहुत दिनों के बाद अभी मैं खाने वाली हूँ बासी भात हॉस्टल में, वो भी पहली बार, क्योंकि ये खाने से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील आता है ना। तो वही मूढ़ी मिक्सचर खाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे ही क्या करेंगे, मूढ़ी मिक्सचर खाना पड़ता है। बट अभी रात में भी रखेंगे हर रोज़ और ऐसे ही सुबह खाएँगे हर रोज़। तो अभी जल्दी से खा लेते हैं, उसके बाद फिर रेडी होंगे कॉलेज जाने के लिए क्योंकि 9 भी बजने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा खाना हो चुका है कम्प्लीट एंड अभी चलते हैं बाहर में धो लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे और यूनिफॉर्म पहनेंगे क्योंकि मैं तो सुबह से नहा चुकी हूँ जैसे कि मैंने बताया था। और मैं आज बहुत जल्दी उठ के अभी वर्कआउट किया,
उसके बाद फिर नहाना धोना हो चुका है, अभी जाऊँगी बर्तन धोना, उसके बाद फिर रेडी होंगे कॉलेज जाने के लिए। बहुत दिनों के बाद मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कॉलेज जाने के लिए। सो फ्रेंड्स, हमारे सब बर्तन सब धो के आ गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 9:50 हो गया है और मेरा जो फॉर्म फिलअप करने के लिए जो सर्टिफिकेट सब है उसके पीछे तरफ पेपर्स का नाम एग्ज़ाम का थर्ड सेमेस्टर का हमारा फॉर्म फिलअप होगा। तो थर्ड सेमेस्टर में जो सब पेपर रहता है, 3 पेपर होता है हमारा ऑनर्स का, तो उसका नाम लिखना है हर एक पेपर में। और उसके बाद फिर रोल नंबर एंड जो ऑप्शनल मेरा सब्जेक्ट है उस सब को लिखना है। तो अभी मैं लिख लेती हूँ कितना वहाँ पे जाके लिखूँगी सारा पेपर में, टाइम वेस्ट होगा तो यहीं से लिख के जाऊँगी, तो जल्दी से देख के जल्दी से वापस ही आ जाऊँगी। तो चलिए अभी मेरा निकालती हूँ मेरा फाइल, सबको रख दी हूँ मैं अंदर बक्से के अंदर। और फ्रेंड्स, हमारा कॉलेज फिर 26 और 27 को छुट्टी होगा बोल रहे हैं, मेरे आने के बाद मुझे पता चला, नहीं तो मैं नहीं आती, नेक्स्ट मंथ सीधा आती, सिर्फ वन वीक के लिए मैं आई हुई ऐसा लग रहा है। कहाँ पे गया है मेरा फाइल, कहाँ पे रख दिया मैंने, पहले ढूंढ लेती हूँ। मैं तो यहीं पे बैग पे ही रखी थी मेरा फाइल सब, और मैं ढूंढ रही थी बक्से के अंदर, तो मिल गया मेरा फाइल। और मेरा कल फ़ोटो गुम हो गया था, जो पहले मैंने क्लिक करवाया था फ़ोटो, तो गुम हो गया था, तो मैंने कल आने के टाइम में फ़ोटोज़ क्लिक कराया हुआ, जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगता है ना फॉर्म फिलअप में, तो ये देखिए अच्छा नहीं दिख रहा है ना, वो तो आप बताएंगे कमेंट करके अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो चलिए फिर मैं लिख लेती हूँ, 10 बजने ही वाले हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो फ्रेंड्स, अभी हम निकल चुके हैं कॉलेज के लिए, अभी सिग्नेचर मर के अभी जाएंगे। आज तो क्लास नहीं होगा जैसा लग रहा है मुझे, हमारा तो जी और इंग्लिश क्लास तो अभी सस्पेंड हो गया है, क्योंकि वोट के द्वारा यहाँ पे हमारा रूम सब रिजर्व हो गया है। मैं मेरा ये वाला यूनिफॉर्म कब से पहनने के मिले सोच रही थी, बट फाइनली मैंने पहन लिया, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था मुझे। तो अभी चलते हैं सिग्नेचर मार के जाएंगे कॉलेज। तो हम पहुंच चुके हैं हमारा कॉलेज और अभी ऑफिस जा रहे हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। 2 hours later। हमारा लंच हो चुका है कंप्लीट और आज आप सभी को मैं दिखा नहीं पाया हमारा लंच, बिकॉज अब मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, सिर दर्द हो रहा था कल, क्योंकि रात में नींद नहीं आ रहा था, करीबन 2 के आसपास मैं सोई होंगी, क्योंकि सब सो रहे थे बट मैं ऐसे ही सो के देख रही थी, क्योंकि नींद ही नहीं लग रहा था, पता नहीं बहुत दिनों के बाद आई हूँ इसी वजह से नींद नहीं लग रहा था कि कैसा जी, बट ऐसे जैसे तैसे नींद आ गया। और सुबह भी बहुत जल्दी उठ गई थी 5 के आसपास, मैं तो घर पे होती हूँ तो 8 के आसपास उठती हूँ, आप सभी तो पता है, पता नहीं यहाँ पर कैसा लग रहा है, जो चलेगा ऐसे भी थोड़ा सा रहते रहते आदत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का मैं नहीं दिखा पाई उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और आप बता दें, आज हमारे लंच में मिला था टमाटर का खट्टा मिला था और दाल और भात और पापड़ दिए थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमने खाया खाना। और खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि सिर दर्द दे रहा था आपसे, वो तो बताया मैंने। तो अभी मैं
अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, सिर दर्द नहीं हो रहा है, तो अभी मैं सो रही हूँ। उठ के अभी थोड़ा सा स्टडी कर रही थी रूम में ही, बाहर में क्योंकि ज़्यादा धूप हो रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है, तो बाहर में इसीलिए नहीं पढ़ रही हूँ और रूम में ही अच्छा लग रहा है। सब सोए हुए तो अभी डिस्टर्बेंस भी नहीं हो रहा है, तो वहीं बैठ के मैं स्टडी कर रही थी। तो अभी मैं तो स्टडी कर लेती हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद फिर बातें करेंगे। और फ्रेंड्स आप बोर मत होइएगा कि ये तो हॉस्टल में है तो क्या फिर बनाएगी, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है मैं भी हॉस्टल में ही हूँ। तो जैसा भी ब्लॉग आएगा प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिएगा, प्यार दीजिएगा मेरे वीडियो को और सपोर्ट करते रहिएगा। तो मैं चलती हूँ फिर स्टडी करने के लिए। सो फ्रेंड्स अभी तो बच चुके हैं 5 एंड मैं थोड़ा सा अभी गेट रेडी होंगी प्रेयर करने के लिए। तो अभी मैं चलती हूँ, पहले कपड़ा उठा लेती हूँ बालकनी से, उसके बाद फिर जाऊँगी। स्टडी मैंने कर लिया पूरे 3:30 से 5:30 PM तक, और मैं उधर बाहर में नहीं सुखाती हूँ क्योंकि मुझे उतना उधर जाना थोड़ा सा टायर्ड फील होता है उधर जाना, तो मैं नहीं जाती हूँ। यही मेरा बालकनी में मेरा जो तार था उसमें मैंने सुखा दिया, सुखा दिए तो मैं चलती हूँ रूम, थोड़ा सा फेस वॉश करूँगी, देन मेकअप वगैरह करेंगी। फ्रेंड्स हमारा प्रेयर तो ओवर हो चुका है, तो अभी कुछ खाने के लिए मैं बक्से से निकाल रही हूँ मुढ़ी और मिक्सचर, ये मिक्सचर वगैरह मैंने कल ख़रीदा था, तो उसको अभी नहीं खोलूँगी, तो अभी उसको खोल के अभी खाऊँगी। और इसके साथ थोड़ा सा मैंने सेव मिसाना है, तो अभी थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा लाइट 3:00 to 3:00 है, तो थोड़ा सा नहीं दिख रहा, मैनेज कर लीजिएगा। तो ये मैंने देखिए निकाल लिया है, मेरा इवनिंग पेट पूजा थोड़ा कर लेती हूँ। फ्रेंड्स आज भी मैं गई थी हमारे ऑफिस में ही स्टडी कर रही थी, तो स्टडी करने के बाद मैं प्लेट सभी दे दिया, बुक सभी लेके आ गई हूँ, और अभी हमारा खाना भी मिलने वाला है। और अभी देखते हैं आज में आज कुछ अलग मिलेगा कि वही आलू मिलेगा, देखते हैं। चलिए मैं लाती हूँ मेरा प्लेट, जानती हूँ अगर फ़ोन पकड़ के जाऊँगी तो मेरे हाथ से प्लेट एक थ्रू पकड़ूँगी तो हाथ बैलेंस नहीं होगा, फूल गिर जाएगा, तो इस वजह से फ़ोन को छोड़ के जा रही हूँ। और आने के बाद आप सबके दिखाऊँगी क्या क्या है खाने में। तो ये देखिए फ्रेंड्स आज भी हमको मिला है आलू भुजिया ही और दाल और भात, तो मैंने हाथ नहीं धोया अभी तक, जाती हूँ हाथ धो के खा लेती हूँ। A few moments later. तो फ्रेंड्स हमारा डिनर तो हो चुका है कंप्लीट, और मैं अभी फेस वॉश करके जो चंदन में घोल के लाई थी उसको भी लगाऊंगी सोच रही हूँ, तो फर्स्ट फेस वॉश करूँगी उसके बाद जाके फिर लगाऊंगी। तो जाती हूँ फेस वॉश करके आती हूँ, आप सभी को मैं लेके आई हूँ डब्बा को जो मैंने हॉस्टल लाने के लिए ही लाया था, स्क्रब किया था इतना होता था, तो मैंने लाया था और अभी मैं लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स मेरा खाना बना करके मैं अभी थोड़ी फेस तो वॉश नहीं की हूँ अभी तक, क्योंकि अभी मैंने फ़ोटो वीडियो सब एडिटिंग करना था तो मैंने उसको उसमें लग गया था, और वीडियो अभी तक फेस वॉश नहीं किया है, फर्स्ट फ़ोन सबमिट करके आऊँगी उसके बाद फेस वॉश करके थोड़ा सा लगाऊँगी। तो फ्रेंड्स अभी खाने के बाद मैं थोड़ा सा टहल रही थी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा खाना खा लिया जैसा लग रहा है, स्नैक्स ज़्यादा हो गया था, खाना तो कम हो गया, तो इसी कारण पेट थोड़ा भारी भारी लग रहा था, तो इधर बालकनी में टहल रही हूँ क्योंकि नीचे तो कोई भी नहीं टहल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी तो टाइम हो चुका है फ़ोन सबमिट करने का, तो आप सभी से यहीं पे मैं वीडियो को एंड करके आप सभी से विदा लेती हूँ फ्रेंड्स, और कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करिएगा कंटिन्यूसली, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट के द्वारा मैं एक कदम चल भी नहीं सकती हूँ, आप सभी को तो पता ही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वीडियो के नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।